पहले तो मैं सारे मीडिया के फ्रेंड्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये क्रिएटिव कनेक्शन हम लोग 5 साल पहले जाने शुरू किया था। बस एक दिन ऐसे ही सोचा कुछ करना है, और जो मेन बसंत पंचमी आप बोल सकते क्यों हमने चुना, क्योंकि बॉम्बे में देखा दुर्गा माता का हम सेवा करते हैं, गणपति जी का आराधना करते हैं, बट सरस्वती देवी माँ का कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट है कि बंगाली की देवी है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आई फील वी आर ऑल आर्टिस्ट, और हर बच्चे को आज की जनरेशन में माँ की आराधना करना चाहिए, जानना चाहिए ये माँ विद्या की और कल्चर की देवी है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आर्टिस्ट लोग मिलकर अच्छे इनिशिएटिव लिया जाए, प्लस हम लोग इस पर उत्सव में हम लोग जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं परफॉर्म मीन्स लेना चाहते हैं तो हम उनको सप्रोर्ट कर सकते हैं हम मिलकर। कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चे को भी हम लोग यहाँ पे आपने पहले भी देखा हम लोग हर साल स्टेज में मौका देते हैं, प्लीज़ प्लस हम लोग उनको स्टडीज़ के लिए हम लोग जितने हमारी कैपेसिटी है हम उनको सपोर्ट करते हैं। और ये मैंने इनिशिएटिव लिया था नेपाल अर्थक्वेक के टाइम, खुद जाके थोड़ा सोशल वर्क किया, फिर लगा अकेले कुछ कर नहीं सकते, पॉलिटिकल जाना ज़रूरी नहीं है, तो फिर क्यों ना हम कल्चरल लोग मिलके करें। तो देन आई टुक दिस इनिशिएटिव, और आहिस्ता आहिस्ता आज 5 साल पूरा हो रहा है, कहाँ से वक्त बीत गए पता नहीं, हमारे साथ कई लोग डायरेक्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी आगे जो इस साल जो हमने सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जी ये नॉन बंगालीज, क्योंकि लोगों के कॉन्सेप्ट मैंने बोला कि बंगाली बंगाली नो, इस बार बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्ड है, हम सारे स्कूल कॉलेज में बात किया है, स्प्रेड किया है, कल हमारे यहाँ पे कई सारे बच्चे लोगों का कॉम्पिटिशन्स था अंडर प्रिविलेज को, हमने बच्चे लोगों को सपोर्ट किया, सारे स्कूल कॉलेज ने बोला नेक्स्ट ईयर हम लोग एसोसिएट होंगे, तो दैट मीन्स आज सेकेंड डे है। आज बबीता हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, शुरू से हमारे साथ किया है, और आज उनके ठीक नहीं पर फिर भी आज बबीता का 50 साल जो म्यूजिक इंडस्ट्री में पूरा हो रहा है वो पहला आज हमारे यहाँ पे आके माँ के आशीर्वाद लेके, फिर कुछ हमारा आगे का प्लान है, हम लोग एक थीम सॉन्ग यूनिटी के ऊपर बनाएंगे जो आज चारों तरफ चल रहे आप देख रहे हैं, जो वी आर आर्टिस्ट वी आर वी डोंट वांट एनी डिविजन। ये तो अभी मेरी मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि हमारे एक दो आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट थोड़ा सा बीमार है, तो एक दो स्लॉट खाली है, तो फिर अभी सब लोगों ने मुझे फोर्स किया आई डोंट नो व्हाट टू परफॉर्म, और हमने बबीता के ऊपर ही एक डेडिकेशन किया है, जो वो जब आ रहे तो हम उनको एक वेलकम दे, हमने दुर्गा पूजा के टाइम प्लान किया था और किया भी था, दैट ही वाज नॉट हियर, तो मैंने वही चीज़ को पेश करूँगा। हाँ इस साल वो एक चीज़ है, 4-5 साल से आपने देखा केला जी आके के रोहित जी आए, शान आए, काफ़ी और लोग आए, जसविंदर जी आए, मधुश्री जी सब लोग आ रहे, बट हम चाहते वो लोग और एक्टिवली आए, इस बार शुक्री जी भी आने वाले थे, मीका से भी बात हुआ था, तो फिर कहीं ना कहीं से लोग जुड़ रहे, इस बार स्पेशली अनूप जी आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास लास्ट ईयर से उन्होंने बोला था मैं जाऊँगा तो मैं मूड लेके जाऊँगा, ज़्यादा भीड़ मत करना, बिकॉज यू नो एक बार वो मूड में आता है तो बहुत लंबा गाना गाता है। हमारी पूरी जो हमारी क्रिएटिव कनेक्शन में जो सपोर्टर्स है जो हमारे साथ कई सालों से जुड़ा हुआ है, जो टैलेंटेड ऑल आर्टिस्ट है, अनिरुद्ध, पिंकी, राजा आसान, केका, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ हटके करेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये मेरी अकेली की कुछ नहीं है, हमारे साथ पूरी टीम, मेरी मेंबर्स, मैं इसलिए हमेशा सारे मेंबर्स को लेके चलना चाहती हूँ। मीडिया में मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल सिंसियर कंग्रेचुलेशंस टू शोमू मित्रा फॉर सच एन इनक्रेडिबल इनिशिएटिव। सरस्वती पूजन जनरली वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर फ्रॉम दी मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और हु आर एसोसिएटेड विद एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। गॉडेस सरस्वती इज़ कंसिडर्ड टू बी द गॉडेस ऑफ विजडम, नॉलेज, स्पीच, म्यूजिक, लैंग्वेज और एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट। सो फॉर पीपल लाइक अस हु आर from the media entertainment industry or anyone from the field of art, ye ek sirf function nahi hai, ye hamare liye ek blessing hai. So I sincerely thank Creative Connection Trust and Shomu Mitra for this absolutely amazing blissful initiative. May Goddess Saraswati bless us all. Thank you. शांति प्रिया क्या कहना चाहेंगे आज बसंत पंचमी क्रिएटिव कनेक्शन का ये पूजा म्यूजिकल शो है, व्हाट वुड यू लाइक टू से?
Yeah, I would like to wish first of all everybody a happy Saraswati Puja, and I would like to even tell all the best and really God bless them for the organization, for the trust, the what they are doing for helping out everyone. And musical is something which is very close to my heart, and I would love to see the performance of everyone. Yeah. Thank you very much. हम लोग जब पहला साल से चालू किया था तभी बहुत लॉन्ग जर्नी के हिसाब से चालू किया था, तो अभी 5 साल हम लोग पूरा हो रहा है, ये सबसे हमारे लिए अच्छी बात है। हम लोग चाह रहे कि और 50 साल तक यही पूजा हम लोग बरकरार रखें, और ये क्रिएटिव कनेक्शन खाली हम लोग खाली पूजा में सीमित नहीं है। हम लोग ऑर्फेंस बच्चे लोगों को सब साल भर हम लोग डोनेशन देते हैं, हम लोग उनको एडुकेशन का सब मेडिकल का सब कुछ ही करते, तो अच्छा लग रहा है 5 साल पूरा होने से। देखते हैं और कितना साल आगे जा सकते हैं। सोमुदी का इंस्पिरेशन से हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं साथ में। मैं 4 साल से हूँ और अभी कोशिश करेंगे और भी आगे हो। आज बपीदा भी आ रहे हैं, अनूप जी का भी शो है, आप सब लोग एंजॉय करिए। हम लोगों को ये 5 साल हो गया पूजा में बहुत ही काफ़ी डेवलप किया है, आगे और डेवलप करना है। ऐसे काफ़ी लोगों को खाना वाना खिलाने का, वजन रखने का ये सब आयोजन किया है, आगे और आगे बढ़ा करना है, सोच वही है, देखता हूँ कैसे कैसे। आई एम ज्योति, जय माँ सरस्वती। हम शोमू से अटैच है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ 5 years व्हेन दिस बेबी वॉज बॉर्न, एंड वी इंटेंड टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर टाइम एज लॉन्ग एज आर हेल्थ परमिट्स अस। And of course, this is with a very good cause and very transparency. We are looking after even the street children and helping them in the old age home also. And once in a year, we have this celebration. That's it. Visuals ले लो। कौशल एक बूमरैंग बना ला, कवरिंग देम। नो खाली बूमरैंग बना के उसको सेव कर दे, बूमरैंग बना के सेव। इम्पॉर्टेंट योगदान है हमारे ग्रोथ में, एजुकेशन में, म्यूजिक में। और आप लोगों को पता ही है बंगाली कल्चर कैसे होता है कि बचपन में एक स्लेट और चौक दे दिया जाता है, उसी को सरस्वती मान के हम आगे चलते हैं हाथ में के साथ। एंड ये भी कनेक्शन मेरे लिए तब से है जब से मैं बॉम्बे लैंड हुई 14 साल पहले। शोभा मित्रा इज पार्ट ऑफ माई फैमिली, शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर, गार्डियन, एन एंजल गार्डियन। इन फैक्ट जब मैं बॉम्बे लैंड हुई थी, द फर्स्ट पर्सन आई मेट वाज शोभा। कनेक्शन तो बहुत पुराना है, और माँ सरस्वती और शोमुदी दोनों मुझे इसी तरह ब्लेस करते रहे, एंड आई कीप ग्रोइंग एंड ग्लोइंग ऑलवेज इन द इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। बड़े प्यार से शोमू ऑर्गेनाइज करते हैं, और हम सब कलाकार सरस्वती माँ को भक्त हैं, उन्हीं के स्वरों पर गाते हैं, जो उनकी देन है वही प्रस्तुत करते हैं। तो हम सब यहाँ आते हैं और इसका मजा लेते हैं, और आज भी मैं हाजिर हूँ, गाऊँगा। और भी बहुत से कलाकार हैं, सभी आते हैं, सब गाते हैं, और सब बड़ी खुशी से आते हैं, अपने मन से आते हैं। तो रोज़ होने चाहिए गाने, सब कलाकार मिलते हैं और गाते हैं, वो होना चाहिए।
तरफ से अगर आप बिग बॉस की बात करें तो मैंने कभी देखा ही नहीं वो भी तो काम ही था, मजे करके आए उसमें। और जहाँ तक फिल्म्स की बात है तो फिल्म बन रही है, वो मेरी स्टूडेंट है। प्रोग्राम्स की बात है तो रोज़ कॉन्सर्ट हो रहे हैं, आज यहाँ है, कल बस्ती में है, गोरखपुर जा रहे हैं, परसों अहमदाबाद पहुँच जाएंगे। संगीत और टीवी शोज सब एक साथ हो रहे हैं। एक्चुअली बिग बॉस का पहले देखा ना, अभी देखा है, सब खेला हूँ, कुछ नहीं देखा मैं, क्योंकि देखा ही नहीं, कैसे बताऊँ। मैं तो खेला हूँ और बहुत मजा खेला। और ये हमारे यहाँ के माँ के आशीर्वाद लेके इस हेल्थ घर की पूजा
इंसान शौर आर्टिस्ट हो ही नहीं सकते। आज हम लोग खुशकिस्मत है सब लोग, ये आज इनको हम लोग नवाज दे जो हम लोग ऑनर कर रहे और अनाउंस कर रहे दादा को, जो हमें ये मौका दे जो आपका 50 साल है इंडस्ट्री में, हम लोग धमाल करके प्रोग्राम करेंगे। हमारे साथ विपुल जी ने हाथ बढ़ा रहे, पहले कल आके बोला है, किंगशुभ का है, उनका नाम है, हम लोग इंडस्ट्री में दिखा देंगे इनको 50 साल पूरा करके। मार्टी मैम आप साथ दीजिए, वी आर गोइंग टू रॉक वन शो और गोइंग टू मेक ए वन यूनिटी वीडियो जो दादा के साथ मैंने किया था, अभी बांग्ला के भालावासी, नाउ वी आर गोइंग टू डू इट। जे हम लोग कल्चरल लोग हैं, हम एक यूनिटी के लिए दादा के साथ डिस्कस हो गए, सब कुछ हो गए, गाना बना के भेजा जो अभी आपके सामने हमने डांस करके पेश किया है, दादा लेट किया था। सो थैंक यू।